मिस्टर टैगबुल की फूड मेकिंग प्रोसेस में अब तक आप बर्गर, आइसक्रीम और पोहा बनते हुए देख चुके हैं। इसी कड़ी में आगे एक कदम और बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं जिम करने वालों की पहली पसंद, पीनट बटर की फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग के पूरे प्रोसेस को। पीनट बटर बनाने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पीनट, यानी कि मूंगफली, और मूंगफली हवा में तो उगते नहीं है। इसलिए पीनट बटर के फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस को देखने से पहले पीनट की खेती को समझ लेते हैं। हर फसल की तरह मूंगफली की खेती की शुरुआत मिट्टी तैयार करने से होती है, जिसके लिए किसान इन एडवांस ट्रैक्टर से खेत की मिट्टी को अच्छी तरह से जोतते हैं। 3 से 4 बार खेत जोतने के बाद किसान जून के महीने में मूंगफली का बीज लाकर उसे मिट्टी में रोप देते हैं और टाइम टाइम पर इस फसल को अच्छे से खाद, पानी और कीटनाशक देते रहते हैं। मूंगफली की फसल बुआई के 120 से 130 दिन के बाद ये फसल खुदाई के लिए तैयार हो जाती है। खेत में जब पीनट तैयार हो जाता है तो इन्हें बड़ी बड़ी मशीनों की मदद से खेतों से उठाकर कुछ इस तरह से दिखने वाली मशीन में डाल दिया जाता है। मशीन के अंदर डालते ही मशीन पीनट के छिलके और उसके दाने को अलग अलग कर देती है, जिसे नेक्स्ट प्रोसेस में पीनट के दानों को बैग में पैक करके फैक्ट्री के लिए रवाना कर दिया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद सबसे पहले इन छोटे छोटे पीनट्स को बैग से निकालकर इन रोस्टिंग मशीन के अंदर रोस्ट होने के लिए डाल दिया जाता है। वैसे गुरु आपको बता दे कि अगर इन पीनट्स को रोस्ट नहीं ना किया जाएगा ना, तो इन पीनट्स को उनका असली टेस्ट नहीं ना मिल पाएगा। पीनट को रोस्ट करने के लिए 330 से 350 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखा जाता है, जहां करीब 1 घंटे तक बहुत अच्छे से रोस्ट करने के बाद पीनट्स के ऊपर लगे स्किन यानी इसके छिलके को निकाल दिया जाता है। अब बेचारे नंगे हो चुके इन पीनट्स को कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक बड़े से इंडस्ट्रियल ग्राइंडर में भेजा जाता है। ग्राइंडर से पीनट्स को डालने के बाद इसमें नमक और पानी को एकदम सही सही मात्रा में डालकर इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए तब तक ग्राइंड किया जाता है जब तक कि पीनट्स अच्छे से पिसकर एकदम स्मूथ ना हो जाएं। पीनट बटर पूरी तरह से बनके तैयार हो जाने के बाद अब बारी आती है पीनट बटर के पैकेजिंग की। इसके लिए खास पैकेजिंग मशीन इन नोजल की हेल्प से पीनट बटर को अपने अपने क्वांटिटी के हिसाब से बोतल में भर देती है। इसके बाद एक दूसरी मशीन इसके ऊपर इसके कैप्स और लेबल्स लगाकर इसे सील कर देती है और आगे हम लोग एक खाने के लिए फैक्ट्री में रवाना कर दी जाती है। दोस्तों वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मूंगफली की खेती में किसानों को 40,000 रुपए पर हेक्टेयर के हिसाब से आमदनी हो सकती है और ऑल ओवर इंडिया मूंगफली की खेती कहीं भी कर सकते हो। बस छोटी सी शर्त है कि आपके एरिया का जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहे। वैसे एक बात बताओ, मूंगफली खाने से आपको भी गैस बनती है? हमें कमेंट करके जरूर बताओ, क्योंकि सर्दी आने वाली, बहुत मूंगफली खाने वाले हो आप। अगर आपकी आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।